व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए शहर के बाजारों में वाहन रखने वालों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। पुलिस ने आज बुधवार को कार्रवाई करते हुए शहर में आधा दर्जन फोर व्हीलर वाहन एवं चार दर्जन अधिक दोपहिया वाहनों को जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। यातायात प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत शहर के मुख्य बाजारों में सड़कों पर बेतरतीबी तरीके से रखे वाहनों को जब्त किया जाएगा। शहर का लाल बाजार, दुलका रोड, कचहरी परिसर, दशहरा रोड, हरदेव नगर, जगन चौराहा, नगर परिषद रोड, काली माई रोड, संतर रोड आदि पर यातायात की समस्या हो रही है। फोर व्हीलर एवं बाइक सवार वाहनों को उबड़ खाबड़ तरीके से रखकर ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण जाम की भी समस्या पैदा हो जाती है। शहर के लोगों को सुगम एवं आरामदायक ट्रैफिक व्यवस्था देने के लिए वाहनों की धरपकड़ अभियान की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत क्रेन की मदद से फोर व्हीलर गाड़ियों को सीज किया जाएगा। उसके अलावा टू व्हीलर वाहनों को भी सीज कर एमपी एक्ट में कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने शहर के निहालगंज थाना पुलिस एवं कोतवाली थाना पुलिस के सहयोग से धड़ाधड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है। बाजारों में रखे आधा दर्जन फोर व्हीलर वाहनों को जब्त किया गया। उसके अलावा चार दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त किया गया। ट्रैफिक प्रभारी ने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू एवं सुगम की जाएगी, जिसमें लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। बुधवार को अचानक की गई कार्रवाई से शहर के वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश फरमाया कि ढोलपुर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। उक्त निर्देशों की पालना में आज ट्रैफिक पुलिस थाना कोतवाली, थाना निहालगंज तीनों थानों ने मिलकर आज ढोलपुर में एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत आधा दर्जन फोर व्हीलर एवं चार दर्जन से अधिक टू व्हीलरों को जब्त किया गया, जो बाजार में लावर स्थानों में खड़े करके दुकान पर शॉपिंग करने चले जाते थे। उनके विरुद्ध आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे कि आमजन को आने जाने की सुविधा में सहूलियत। खबर हनुमानगंज की नोहर से है, जहां सीबीएसई द्वारा